गाइस, सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम प्रतिभा पंडागदे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई। जो अभी पीएनएसटी एग्जाम हो रहा है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ओनली डीएमई ने ही अपना प्रोटोकॉल दिया है कि हमारे साइड से एग्जाम हो रहा है और अब तक इसमें डीएचएस की सीट्स ऐड नहीं हुई है। साथ ही सारे लोगों का यही डाउट है कि डीएचएस डीएमई में ऐड होने वाला है या नहीं, तो आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे न्यू अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि डीएमई और डीएचएस ऐड हो रहा है या नहीं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीएमई और डीएचएस हमेशा से साथ ही एग्जाम लेता रहा है, साथ ही इनके बैच आते हैं, साथ ही इनकी आगे पीछे कुछ, वरना साथ ही इनकी काउंसलिंग भी होती है हमेशा से। पर इस बार कुछ प्रॉब्लम ये हुई है कि जो डीएमई है उन्होंने जो लास्ट टाइम अपनी काउंसलिंग करवाई थी वो सितंबर लास्ट वीक में करवाई थी, एंड डीएचएस ने अपनी काउंसलिंग जनवरी लास्ट वीक में करवाई थी। साथ ही जो बैचेस अभी चल रहे हैं कंटिन्यू में जो रनिंग में है, तो डीएमई के जो बैचेस बैच है वो अक्टूबर तक रिलीज हो जाएंगे, यानी वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे जो फर्स्ट ईयर के बैच है। इसके साथ ही जो डीएचएस के बैच है वो जनवरी में या फरवरी में सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर वाले बैच के लिए सीट्स अवेलेबल होंगी। तो जो डीएमई है उन्हें फिर सभी बैच चाहिए, साथ ही जो डीएचएस है उन्हें थोड़ा टाइम से चाहिए बैचेस, ठीक है। पर बात यह है कि डीएमई ने तो अपना प्रोटोकॉल दे दिया है और वो अभी 17 और 18 तारीख को अपने एग्जाम करवाने वाला है। साथ ही अभी तक डीएचएस की सीट डीएमई में ऐड नहीं हुई है। सो डीएचएस से यही इन्फॉर्मेशन है कि जो डीएचएस है इस बात पे अभी सोच रहा है कि लाइक किस तरीके से वो अपनी सीट्स अभी ऐड करवाए डीएमई के साथ, क्योंकि अभी जो बैच है जो आगे वाला उनका बैच चल रहा है वो अभी सेकेंड ईयर में अभी नहीं गया है। साथ ही वो दो बैच एक साथ नहीं ले सकता, लाइक कि फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट्स है ही और उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, देन वो काउंसलिंग करवा के देन और फर्स्ट ईयर का बैच अपने कॉलेज में ले गए। इसी बात का भी डिसीजन होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से कि डीएमई और डीएचएस हमेशा साथ में एग्जाम करवाता आया है और ये पूरे एमपी के लिए होता है, सो या तो ये दो बार एग्जाम हो सकते हैं, डीएचएस अपनी सीट्स अलग से भी निकाल सकता है, लाइक कि डीएचएस के लिए अलग एग्जाम होगा। तो ये 2022 का होता है या 2021 का होता है ये कुछ कंफर्म अभी नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट है कि हमने अभी 2022 में हमारे 12th क्लियर करी है तो हम लोगों के लिए फॉर्म करवाएंगे। देन बहुत सारे लोग 2022 में हो रहे हैं 17 साल के, या उनका 30 खत्म हो रहा है या हो चुका, तो उन लोगों के लिए फॉर्म कब आएंगे? तो 2022 में न्यू फॉर्म आने वाले हैं या नहीं? सो गाइस, एक एग्जाम डबल नहीं होता है कभी भी। तो अभी जो 2021 के बेस पे जो एग्जाम 2022 में होने वाला है पीएनएसटी, वो 2022 में होगा। देन 2022 में कोई अदर से फॉर्म रिलीज नहीं होंगे पीएनएसटी के लिए। ये हो सकता है कि डीएचएस अपना अलग से एग्जाम करवा दे या वो डीएमई को अपनी सीट्स दे दे, ठीक है, कि पे काउंसलिंग साथ में करवा ले या साथ में ही एग्जाम भी निकलवाए। सो गाइस, ये बात देखने वाली होंगी कि अभी क्या होने वाला है। पर जैसा कि अभी फॉर्म भरने में अभी 5 days और है, आप लोगों के पास 5 days का टाइम है कि आप फॉर्म भर रहे हो। इसके साथ ही डीएचएस डीएमई से अपनी सीट कब ऐड करवाते हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर ये कभी भी क्लियर हो सकता है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों की जो सीट से है काउंसलिंग है वो भी साथ में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने सीट्स अभी तक नहीं दी है तो वो कभी भी दे सकते हैं, आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके दो बार एग्जाम होते हैं, लाइक डीएमई अपने अलग से एग्जाम जो ले रहा है 17-18 तारीख को, इसके बाद अगर डीएचएस अपना एग्जाम अलग से निकालता है तो इसमें आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दो बार एग्जाम दे पाओगे। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सही नहीं होता है तो आप सेकेंड अटेम्प्ट डीएचएस का क्लियर कर लोगे। सारे लोग डीएचएस कॉलेज ही लेना चाहते हैं क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और डीएमई है ये अपना थोड़ा प्रोटोकॉल अलग रखता है, यानी फीस वगैरह कुछ लेता है। सो गाइस, अगर आप डीएमई कर रहे हैं तो उसी के साथ ही डीएचएस की भी काउंसलिंग हो सकती है, और अगर नहीं होती और आपका डीएमई में सिलेक्शन हो जाता है और आप फिर उसके बाद डीएचएस का एग्जाम देते हो तो आपको शायद सिर्फ डीएमई में ही रहना होगा, डीएचएस आप नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। पर फिर भी अभी आपका एग्जाम हुआ नहीं है, 17-18 तारीख को अभी टाइम है, ये बीच में कुछ भी डिसीजन हो सकता है कि डीएमई और डीएचएस ऐड हो सकते हैं या नहीं, तो ये बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को ओनली पढ़ाई पे ध्यान देना है क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किए होंगे और अभी डीएमई का एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है। डीएचएस अपनी सीट दे सकते हैं या नहीं देंगे तो अपना वो अलग से प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ बनाएंगे कि वो काउंसलिंग साथ करवा ले या जिस भी तरीके से। सो गाइस, बहुत सारे लोग इस बात से डर रहे हैं कि डीएमई कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं
सो गाइस एक क्लियर है कि अगर आप डीएमई से भी करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलनी है। आपकी जो काउंसलिंग होंगी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ही होगी, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर आप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका जब काउंसलिंग होंगी जॉब के लिए, तो आप लोगों को गवर्नमेंट के साइड से ही सारी काउंसलिंग होंगी और गवर्नमेंट पोस्टिंग ही मिलेंगी परमानेंट। तो आप इस बात से बिल्कुल फ्री रहे कि आपको पोस्टिंग किस तरीके से होंगी, प्राइवेट तो नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ कमेंट्स ये थे कि आप लोगों को, जैसे आप लोग डीएमई क्लियर कर लेते हो तो आपको उसमें जो उनकी स्टाइपेंड होती है 3,500 रुपये पर मंथ, तो वो आपको मिलेंगी या नहीं। सो गाइस ये दोनों कॉलेज डीएमई एंड डीएचएस दोनों के लिए समान है, ये आपको मिलेंगी ही, चाहे आप डीएमई करो या डीएचएस करो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। साथ ही गाइस मैंने जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर एंड अदर जो भी बनते हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस, ओके। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।